ये हम गेहूं के खेत में रोटावेटर क्यों निकाल रहे हैं? सुबह पहली प्याम प्याम मेरे लिए चाय लेकर आ जाती है और मैं फटाफट चाय पीकर अपने बहादुर घोड़े को लेकर सीधा खेत पे चल देता हूँ और खेत पे पहुंच के मैं अपने बहादुर घोड़े को पापा को दे देता हूँ और वो लग जाते हैं गेहूं के खेत में रोटावेटर निकालने, क्योंकि इस जगह हम गेहूं इकट्ठे करेंगे और जिस जगह हम रोटावेटर निकाल रहे हैं उस जगह हम मेटी बिछा देंगे ताकि हमारे गेहूं जमीन पे बिखरेंगे नहीं। गेहूं के खेत में रोटावेटर निकाल के हम रोटावेटर को एक साइड छोड़ देते हैं और बहादुर घोड़े में इछवान लेते हैं, क्योंकि अभी मुझे गेहूं इकट्ठे करने के लिए ट्रायली भी लाना है। इसलिए ट्रायली लेने के लिए मैं चल देता हूँ मोतीपुरा, क्योंकि मोतीपुरा से मैं अपने बाजी की ट्रायली लेकर आऊंगा और मोतीपुरा अपनी बाजी घर पहुंच कर देखता हूँ। बाजी मेरे लिए खाना बना देती है, इसलिए मैं भी खाना खाई लेता हूँ और खाना खाकर अपनी बाजी ट्रायली फान लेते हैं बहादुर घोड़े में। फिर इस ट्रायली को लेकर मैं चल देता हूँ सीधा खेत पे और खेत पे पहुंच के हम पहले लहसुन इकट्ठी करते हैं। लहसुन इकट्ठी करने के बाद गेहूं इकट्ठे करेंगे, क्योंकि हमारे लिए गेहूं से ज्यादा लहसुन इंपोर्टेंट है। फिर हम सब मिलकर लहसुन को ट्रायली में भर लेते हैं, फिर लहसुन से भरी हुई ट्रायली को लेकर मैं घर पे चल देता हूँ और मैं अपनी माता श्री को साथ में लेके जाता हूँ। फिर घर पहुंचकर हम ट्रायली को खाली करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रायली की नली में कुछ मिस्टेक आ जाती है, इस वजह से हम ट्रायली को हाथ से खाली कर देते हैं।